wants to make a play, he can do it. अगर players उनके वो TP को देखे ना, देख लिया उनके portal को, instant spawn किया इन्होंने अपना fake out. But अब यहाँ पे Binks फंस चुके हैं इस कोने में, निकल पाना यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा. But the point is, पूरी टीम आपको अटैक करती हुई नजर आएगी. Binks की पोजिशन उनको यूटिल से सारे बचाने वाली है, एंड ही इज नॉट बीइंग यूटिल डम्प डैट. इनके टीममेट्स ने सपोर्ट काफी अच्छा, उस पेन शेल की वजह से रेगल टॉस ने प्लेयर्स को डिफॉल्ट से बहुत दूर पुश किया. ग्राफिटी एक प्लेयर है, स्काउट ने दो प्लेयर्स को डिनाई किया. And that's a 2 versus 2. What just happened? And टेक करने के लिए कोशिश करती हुई स्काउट को डिनाई करेंगी. 1 versus 2 now. कृतिका रैप अप करने का प्रयास जरूर करेंगी, but that's not just enough. Takes one down. Sid versus Krutika. It's going to be hard. Sid is patiently waiting. देख लिया. और अब कृतिका यहां पे टाइम पास कर रही है, उनके पास पोजीशन बहुत अच्छी है. सिड की तरफ से शानदार फ्रैग विद हेड हंटर. एंड आई मीन पिछले में अगर इनकी पोजीशन थोड़ी सी बेटर होती या फिर इनके पास कवर होता, सिड हेड थिंकिंग सो मच वैल्यू ऑन द टेबल, क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा. कोई क्लियर नहीं करने वाला इनको, नॉट एट ऑल. Oh, never mind. I take my words back. Please forgive me. But यहाँ पे अक्षु इनको चेक कर लेंगे. यार अक्षु ने तो इनको रन रन कर दिया. अब साइट ओपन हो चुकी है. चल गेट इजी प्लान. रूपन हेवन की तरफ स्काउट पास जाने का प्रयास करते हैं. बहुत सारी एचपी गवाई, बट स्टिल गेट्स अ फ्रैग. यार ही गॉट अ फ्लैग एंड उनको हील भी मिल गई, और वो बहुत ज्यादा यू नो वैल्यूएबल साबित होगा उनके लिए. अंकिता एक किल निकालते नजर आएंगे. सिड को भी यहां पे डिनाई किया गया, स्काउट मिली उनके जस्ट सामने, मिली विद द राइट क्लिक, गेट्स वन. अब एक्सपेक्टेड उनके पास एक 1v3 करने का मौका जरूर मिली ढूंढेंगी. एक फेक टीपी उनकी तरफ से भी, बट अंकिता रिकन के साथ बिल्कुल तैयार, एक्चुअली शॉक डार्ट के साथ बिल्कुल तैयार है. पोजीशन पता है, एक स्मोक जरूर है. देखते हैं क्या कुछ कर पाएंगे. जी नहीं यार, शॉट पुश करने का प्रयास. He'll take one down. Instant flash करके TP out कर सकते हैं चाहे तो. Yes, he will do that. Oh, now he has such a big position. No one knows about it. He is playing Uno reverse. The players have no idea what just happened. Big TP. Now he's playing confusing games. Krutika falls for the bait. आखरी खिलाड़ी scout. Heaven पे players की position पता है. की तरफ neutral dump बहुत देखने को मिल रही है. कोई push नहीं करना चाहता. करना पड़ रहा है. Paranoia. की तरफ बढ़ रहे हैं. Just imagine if he wall backs. फैशन स्काउट की तरफ से किया जाएगा. अंकिता सी ने सिट को पकड़ाया सी पे, एंड वो वॉक इन करके आने की कोशिश करेंगे, बट स्काउट आई मीन सीटी पुश कर चुके हैं. द प्लेयर्स हैव नो आइडिया. मिली को किसी भी वक्त डिनाई किया जा सकता है इनकी तरफ से. मिली हैज नो आइडिया, बट कुछ नाइव्स यूज किए, बट नॉट एनी मोर. साइट बहुत आसानी से मिल गई प्लेयर्स को. रीटेक के लिए प्लेयर्स बहुत तेजी से आए हैं, बट नंबर्स गेम नहीं है. That's the difference. Binks have a play बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि बनने नहीं वाले. एक खेलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है टीम स्काउट के पास. वो एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहते, वो चैलेंज ही नहीं करना चाहते, आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं. एंड यहाँ पे अक्षु विल टेक डाउन माफिया ऑफ गॉड. जब वो हॉन्ट कर रहे थे बी पे स्काउट वॉक इन करना चाहते हैं. ये टाइमिंग ही खेल है, टाइमिंग का खेल है. शो स्टॉपर का इस्तेमाल किया, अंदाजा नहीं अक्षु को. रेगल टॉस फाइंड्स टू जो करने वहां पे बिंग्स को डिनाई जरूर किया. पेशेंटली वेट कर रहे थे, बट अब स्काउट जो सीटी पे है उनकी वैल्यू निकालने की बारी आ चुकी है. इज येट टू स्ट्राइक. इनकी टीम टुकड़ों में बिखर चुकी थी. टेक डाउन हो चुकी है धड़ से अलग. अकेले हिट क्रैश को यहाँ पे प्लांट नहीं किया गया, उसको आगे भेजा गया. डिकॉय को कोई छेड़ने नहीं वाला. दैट इज रियली नाइस. फ्लैश आएगा, नो वन बैट्स एन आई. दे वांट टू पुश इन. लॉकडाउन का इस्तेमाल फाइनली करा जरूर गया है, बट बैंक्स बहुत कामली वेट करते हुए. नॉट टू चेक हिम, नॉट एट ऑल. दोनों बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, टीपी आउट दो, बट उससे पहले वो तोड़ने का प्रयास करने वाले हैं. तोड़ नहीं पाएंगे. ही विल बी गेटिंग डिटेन्ड, बट वो ये शॉट पे उनको क्लियर करना बहुत मुश्किल. उनको सपोर्ट की जरूरत है, बट कोई भी हेल्प के लिए उनको आया नहीं रहा. उनको स्मोक जरूर दिया गया हेल्प के लिए. नाउ ही रिकवर्स. जोकर यहां पे अपनी आवाज दे रहे हैं. रीलोड जैसे ही करेंगे बिंग्स विल गो आउट. विल ट्राइंग टू डू अकॉर्डिंग टू द मार्कर्स दे प्लेस्ड, बट अभी के लिए यहां पे सिड तैनात है. ही गेट्स वन स्पाइक इज डाउन, बट कृतिका ने ट्रेड निकाला मिली के ऊपर. नो स्मोकर्स टू बी ऑनेस्ट, बट ऊपर चले गए जैसा उनका प्लान था. बट बैंक्स इस बार तैनात है, आगे जाने की गलती साबित हुई. कृतिका ने थोड़ा सा मिस यहाँ पे जरूर किया, कृतिका ने इस बार मिस नहीं किया. एंड स्काउट ने किल भी निकाला. नाउ सिट के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स अ 2v2 सिचुएशन. टू द फोर्स एक्टिवेट की गई है. रेंडेवू के ओरा के रेंज में वो यहाँ पे आ चुके हैं, बट बहुत खतरनाक पोजिशन से वो खेलते हुए. कहाँ देखेंगे, उलझन जरूर है. माफिया भी यहाँ पे किल निकालते हुए. नाउ सिड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग. कोई ना कोई तो आया है, बच के जाने की कोशिश थी, बट वो बच पाएंगे नहीं. अक्षु ने वहां पे किल निकाला जरूर. दे आर रेडी, ही इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द हर्ट. ही इज गोइंग टू, एंड ही कम्स आउट. ही टेक्स वन डाउन. सामने एक और प्लेयर है. ही टेक्स अनदर वन डाउन एज वेल. बैंक्स
That was important, but side के अंदर already दो players आ चुके हैं. I really like the support. आपने Omen का Paragon भी देखा, A-shot की तरफ गया था. Blinks को बहुत support मिला. Now he's teeping out. वो चाहे तो spawn में जा सकते हैं, but he's just faking it. The players really don't know where he is. Blinks के पास spike control है, and that's the problem. Team scout clear कैसे करेगी? मार क्या जाएगा? Coming for sure. Billy की तरफ से scout को deny किया गया. They're guarding the whole C-side. The brute force, and यहाँ पे देखिए तीन players हैं. There's no way they're getting the advantage, but एक player lurker अगर आप mini map पे देखें, that's Kritika. Team scout के the only duelist has been taken down, and मिली को बहुत ज़्यादा damage दिया है. और यहाँ पे ये damage heal भी नहीं हो सकता. Kritika, इनकी तरफ से कुछ value अगर निकलती है, as being a lurk, it'd be so much valuable. ये angle clear करना बहुत मुश्किल. माफिया बैठे जरूर हैं, Kritika किसी भी वक्त आएंगी, वो एक एंगल क्लियर करेंगी, बट दूसरा पॉसिबल नहीं. That's so awful ना, आप लेफ्ट चेक करो, राइट से कोई बैट मारता है, अगर आप राइट चेक करो तो लेफ्ट से कोई मारता है. बट अंकिता सी, सच अ लॉन्ग रेंज पिक, सेट बहुत लो तो नहीं थे, और यहाँ पे उन्होंने डबल हेडशॉट मारा. अंकिता सी वंस अगेन मिली, उनको अल्टी करके जाना पड़ेगा बहुत जल्दी. वो एक एचपी है, ए प्लांट हो रहा है, और यहाँ पे रीटेक करने की जल्दी. रेगल टॉस ने डिनाई किया प्लांट कुछ देर के लिए, उनको हेल्प करने के लिए. नाइटफॉल कितनी परफेक्ट, नाउ दे हैव डिनाइड द स्पाइक. 20 सेकंड में कैसे ये रीटेक करेगा, आई हैव नो आइडिया. बहुत मुश्किल है, दे डोंट हैव द नंबर्स गेम एज वेल, बट यहाँ पे फिर से वही गलती. उनको लगा किल निकल गए, लेकिन इस बार सुधार दी अपनी गलती और वो किल कंफर्म भी किया. जोकर ढूंढने की कोशिश, माफिया को ढूंढा, बट माफिया काम करने का प्रयास, माफिया का विंडो की तरफ कोई डैमेज नहीं. Vex operator out, he takes down Akshu. And यहाँ पे अभी वो रुकना नहीं चाहते, करेक्ट को भी डिनाई करेंगे. माफिया की पोजीशन बहुत अच्छी है, रेकल्टोस वॉक अप करके आगे आ जाएंगे. Should have got that kill, but वो उनको फ्रैग नहीं मिलेगा. आप जानते हैं कि प्लेयर्स का इको है, they are pushing, they are making a lot of pressure on the players head. But यहाँ पे स्काउट डिनाइज रेकल्टोस. ये गलती उनकी पनिश करी जाएगी. एक वेपन ड्रॉप जरूर किया, बट पिंक्स उसको कंपनसेट करने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं. टीपी वहां पे सेट करी हुई, अगर आप स्काउट को देखें उनको अंदाजा फिलहाल के लिए नहीं है. और यहां पे विंग्स ऑपरेटर के साथ बहुत वैल्यू निकाल रहे हैं अपनी टीम के लिए. सेट की पोजीशन प्राइम, क्रॉसर प्लेसमेंट परफेक्ट. विंग्स बैठे हैं ऑपरेटर के साथ, स्काउट को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, बट सेट दूसरी तरफ द पोजीशन. दैट्स ग्रेट, Kritika अल्टीमेट लगा के अंदर जाएंगी जरूर. वोंट वेट फॉर एनीथिंग, यहां पे उससे पहले मिली के फ्रैग्स बहुत सारे आने वाले हैं. वन Not the second one, but at least जाने से पहले खुद का ट्रेड. Regaltos यहाँ पे पेंट शेल करने का प्रयास करेंगे. डिफॉल्ट पे विल ट्राई द प्लांट एंड माइट फाइंड अ फ्रैग. और यहाँ पे जोकर प्लांट में बैठे हुए हैं अभी भी. नो, यू नीड टू मूव. Regaltos को एक फ्रैग मिलेगा और यहाँ पे फिलहाल के लिए पैनिक किक्स इन. माफिया रोज एक प्लेयर लर्क पे बैठा हुआ है, टेक्स हिम डाउन. अ 2 वर्सेस 4 रीटेक जो कि बहुत पॉसिबल है. इनके पास यूटिल जरूर होने वाली है पोस्ट प्लांट, बट यूज करने का मौका नहीं. अंकिता सिंह की पोजीशन बहुत बेकार सी है, प्लेयर्स उनको जानते हैं. नाउ दे वांट टू डू जस्ट दैट. आपको देखने को मिल रहा है, they are fighting it together, but ये TP थोड़ी सी परेशान कर सकती है, and उस रिकॉन ने actually परेशान किया. अक्षय ने कैपिटलाइज किया मिली की एक गलती. I mean they are allowed, right? They have so much advantage. Instant res scout की तरफ आपको देखने को मिलेगा. Kritika को regal toss का frag मिलेगा. Pink से कुछ play बनाना पड़ेगा, but he gets taken down. It's all down to the legendary said. Can he do the first ace of the tournament? Sure, but yes, he will try. एक frag. HP 80 गवा दी पहला फ्रैग लेते लेते. मुश्किल है जरूर, बट आई मीन सेड उनको यहाँ पे प्लेयर्स हंट ना करें तो बेटर है, बिकॉज ही इज जस्ट गोना टैप देम ऑल. आई बिलीव इनको फ्लैश किया जाएगा, इनको नाइफ करने का प्रयास किया जा रहा है. यहाँ डिनाई किया, एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट ओपनिंग. एंड नाउ दे हैव द साइड कंट्रोल. इवन स्काउट ओपी इज 1 एचपी. व्हाट इज दैट शॉट. रेगल टॉस ने तो डिनाई कर दिया अक्षु को. 3 वर्सेस 5 इट इज. बाकी प्लेयर्स साइड से बाहर है, लॉक का प्लांट है. स्काउट यहां पे फुल एचपी होने के बाद फाइट करने जरूर आएंगे, एंड रेगल्टोस से बैटल जीतेंगे. अभी के लिए चांसेस बहुत कम है टीम स्काउट के राउंड जीतने के, बिकॉज बिंग्स अभी वी इज इन द एंड बैक साइड पे. ही इज गोना बी द मैन, डेंजर मैन. इज गुड फॉर 2. इनकी पोजीशन पता जरूर पड़ जाएगी, बट हैज अ टीपी आउट. वन एनिमी रिमेनिंग. बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन. माफिया उसके ऊपर कैपिटलाइज करेंगे. जोकर डिनाइज बिंग्स. क्लच करना मुश्किल होगा जोकर के लिए. 1 वर्सेस 2 मार बन सकती है. सबने पीक आया, स्काउट टेक्स 1. दैट वाज इंपॉर्टेंट एंड दैट वाज नेसेसरी. सेट को डिनाई किया तो बैकस्टेप करने की अपॉर्चुनिटी यहां पे स्काउट के पास बनेगी. वो गन भी उठाने वाले हैं वहां से, बट ये स्मोक के अंदर जाना सेफ नहीं था. रेगल टॉस को गलती एंड उनको यहां पे खामियाजा भुगतना पड़ा. अभी वो क्या हुआ, वो सैचल से इतनी
गलत मूवमेंट हो गई उनकी। विंग्स यहां पे जानते हैं एक प्लेयर फ्लैंक करेगा, स्काउट को डिनाई करेंगे। 3 वर्सेस 3 नंबर्स बराबर। वेपन रिट्रीव नहीं करने दिया, माफिया फाइट कर रहे हैं एंड ही गेट्स वन। अंकिता सिगराज उनकी पोजीशन पता है, आखिरी प्लेयर सीजी। विंग्स उनके सामने टीपी करके आएंगे। व्हाट विंग्स उनसे मजे ले रहे हैं, उनके पंगे लिए जा रहे हैं। जोकर इज बीइंग नाइव्ड ऑन, फ्लैश कर दिया जाएगा उनको। नो जोकर नो, यू डोंट वांट टू गेट नाइव्ड राइट, यू हैव टू टेक देम डाउन। सारे प्लेयर्स लो हैं, दे आर जस्ट टॉइंग अराउंड। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है और इसके इस टूर्नामेंट में? ओह गॉड, टीममेट आ गया उनका तीसरे ही राउंड में। फर्स्ट हाफ के बाद डिकोय का इस्तेमाल यहां पे करा जरूर गया है, पता है कहीं ना कहीं स्काउट को कि क्या होने वाला है। फ्लैश यहां पे किया जाएगा, बाहर आए, ही वुड गेट द किल आई थिंक। यस ही वुड, इट वाज टू इजी फॉर बैंक्स। Once again, two frags. अब यहाँ पे CT push करने का प्रयास करेंगे। एक HP बचे हैं, there's no heals for the team. But इनका TP, oh, it's going spawn. And शायद ये late TP का इस्तेमाल करके players को परेशान कर सकते हैं, but उसको तोड़ा जाएगा। That's a fake TP. मिली, takes down Joker, आखिरी खिलाड़ी अंकिता सी। इनको नाइव करना होगा मुश्किल। Wings, उनका TP जा रहा है CT and he's about to TP. नहीं, एक fake TP. He's playing mind games. He's toying around again. One versus four, अंकिता सी. Round clutch करना मुश्किल। भी जा रही है इस गेम से। विंग्स यहाँ पे प्ले बनाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। उनका पूरा जो केजे का सेटअप है वो देखिए यूज करने में मजबूर कर दिया जाता है। जो करने यहाँ पे रेगल टॉस को डिनाई किया। व्हाट, विंग्स खुद एक फेक डिकॉय बन के ऊपर आए थे, व्हाट वाज दैट? विंग्स एक के बाद एक स्पेक्टर के साथ ही डिमोनिक परफॉर्मेंस आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। सेट प्लैंक दिख रहे हैं, स्काउट को देखा आते हुए, अब एक नई पोजीशन ले लेंगे। एंड लुक एट द टीपी, इट्स गोइंग स्पॉन, दे हैव टू फॉलो इट। एंड यहां पे विंग्स आएंगे, जैसे ही ही विल बी शट डाउन बाय अंकिता सी। इट्स अ 3 वर्सेस 3 नाउ। स्काउट फ्लैंक आ रहे हैं बट सेट इज पेशेंटली वेटिंग। उनको कहीं ना कहीं मिले की पोजीशन भी पता है और अंकिता ने एक और अच्छा किल निकाला बट स्काउट को टेक डाउन किया। नाउ इट्स अ 2v2। मैं देखना चाहूंगा यहां पे माफिया क्या इस बार भी क्लच करके जा पाएंगे। पिछली बार उन्होंने शानदार क्लचेस यहां पे करके दिखाए थे। सेड वुड टेक अनदर, एक्चुअली माफिया इट वाज, माफिया वी आर गोइंग टू। बट वहीं पे अगर स्काउट की बात की जाए, जज लेके आए हैं वो, मैं देखना चाहूंगा उसे कितनी वाली मिलेगी। जोकर को यहाँ पे डिनाई करा जरूर गया है, कॉर्नर चेक नहीं करा जाएगा मेरे ख्याल से, तो स्काउट को फायदा मिलेगा। स्काउट 30 एचपी पे बाल बाल बचे हैं, बट अक्षु किस एंगल से जाएंगे? स्मोक के अंदर अभी बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा गेट क्रैश को। रिकॉन से पोजीशन रिवील होगी, जैसे ही रिवील होगी अक्षु जाएंगे, बट उनका ट्रेड बिंक्स के द्वारा निकाला जाएगा। बिंक्स ने इस बार भी टीपी किया है क्या? I don't think so. फेक टीपी वहां पे करा जरूर था, दो बार फ्लैश किया, मुश्किलों में डाला, बट हे यू गो राउंड। उसके बाद आपको फ्रॉम द शैडोज हेवन देखने को मिलेगी। किसी भी वक्त आपको नाइटफॉल का इस्तेमाल भी देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे जोकर अकेले फंस जाएंगे। जोकर फिलहाल के लिए सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं, खुद को हील करेंगे भी तो 40 एचपी आएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। एंड यहाँ पे अकेले पकड़े गए। रेगल टॉस के पास शूज टॉपर इस्तेमाल वो भी कर दिया जाएगा। चौथी अल्ट है राउंड की, अक्षु की तरफ से फाइट करी जा रही है। विंग्स को डिनाई, कृतिका को डिनाई, माफिया ने काट दिया अक्षु को। व्हाट जस्ट ही डिड, एंड यहाँ पे इट्स 3 वर्सेस 3, लुक्स लाइक अ विनेबल फॉर टीम स्काउट। इट इज इंडीड अ विनेबल राउंड, यहाँ पे 3v3 सिचुएशन बन चुकी है। ओपन में भी खेले प्लेयर्स पकड़े जाएंगे। एक है जो शॉक डार्ट आएगा, उसने वैल्यू भी बहुत निकाली। रेगल टॉस के पास एचपी बिल्कुल बची नहीं है। माफिया अभी भी फाइट करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए, बट सारे प्लेयर्स आगे जाएंगे। लास्ट वन स्टैंडिंग से आउट हिमसेल्फ, ही कैन टेक टू। यस ही वुड, नाउ इट्स अ 1v1। रेगल टॉस के पास बिल्कुल एचपी नहीं है, बट डज स्काउट नहीं कर पाए, बट से